नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। शंकर लोकवाणी केंद्र का जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वी के सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। हंडिया गुरुवार को कस्बा हंडिया पीजी कॉलेज के पिलर नंबर 4 के पास शंकर लोकवाणी केंद्र का जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर वी के सिंह द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान डॉक्टर वी के सिंह द्वारा संस्थान खोले जाने पर संस्थान के निदेशक को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हंडिया क्षेत्र में विकास कार्यों की धारा बहेगी तथा जल्द ही लक्षा गृह से परानीपुर तक पक्का पुल गंगा घाट पर बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कहा कि श्राय इनायत को लेकर हंडिया तक 4 लेन सड़क का कार्य जल्द ही शुरू कराया जाएगा, जिससे आम जनमानस को आवागमन में समय में काफ़ी बचत होगी एवं भीड़ से निजात मिलेगी। इस मौके पर चेयरमैन हंडिया जवाहरलाल जायसवाल, अजय पांडे, राम आधार बिंद, अशोक कुमार मिश्रा, प्रमोद मिश्रा एडवोकेट, सुरेश चंद्र उपाध्याय, रवि नारायण सिंह एडवोकेट, देवता प्रसाद मिश्र, केसरी प्रसाद त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, श्याम मिश्रा, राम मिश्रा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर विनोद कुमार पांडे, इंडिया पोस्ट न्यूज। आज आप उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद ईश्वर के इनके साथ ही है। हम चाहेंगे कि इंडिया स्तर से जिला स्तर तक काम कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर काम करें, अखिल भारतीय स्तर पर काम करें। शंकर भाई के लिए ही मेरी शुभकामना। इंडिया में विकास के गंगा की धारा कब बह रही है? धारा बह रही है, उसकी धार को और तेज करना है और उसमें इतनी बाढ़ ले आनी है कि विकास ही विकास दिखे। इसके लिए जरूरी है कि एक बार फिर से मोहर लगवा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। और जो लाक्षा गृह में पुल के लिए आप लोगों ने किया है, आप पिछली बार कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे, 2 पुल का सर्वे हुआ है, एक स्टेट से हुआ है ब्रिज कारपोरेशन के द्वारा, एक NHAI के द्वारा, NH 31 है शायद सामने का, उधर 76 ही है मेजा रोड में, दोनों जेड के आउटर रिंग रोड की परिकल्पना चल रही है, सर्वे भी हुआ है, DPR बना है, DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि NHAI का हो जाए तो 4 लेन का ब्रिज हो जाए और वो सेंक्शन आपको बहुत जल्दी हो सकेगा, चुनाव के पहले ही आपको। जय श्री राम।